नर्मदा नदी कात में कंचनबटी नामक एकटा नगर छल, जकर राजा मलयकेतु छला। नगरक सीमान मने नदीक पेटी में एकटा विशाल पाकरक गाछ छलैक, जाहि पर एकटा चिल्होर आ नीचा गाछक खोधरि में एकटा सियारन वास करैत छल। एक बेर दुनू मिल जितिया उपास करबाक संकल्प लेलक आ विधि विधान सब भगवान जिमूतवाहनक पूजा कऽ निर्जल उपास टकलक। ओहि दिन कंचनबटी नगर में एक गोटेक मृत्यु भऽ गेलैक, जकर दाह संस्कार वह नदी कात पाकरक गाछ तर कयल गेलैक। भयौन राति में मेघ झमकि कऽ बरैस रहल छल, से चिल्होर अपन खोता में जल्दिए सुति गेल, मुदा एम्हर सियारन के भूख लागि गेल छलैक। मुर्दाक गन्ह ओकर नेत डोला देलकै। ओ निशाभाग राति में चुप्पे जाकऽ मुर्दा के स्वादि लेलक, जाहि कारणे सियारनक उपास टूटि गेलैक। मुदा ओतै चिल्होर निर्जल रहि उपास केलक आ अगिला दिन भोर में नियम आ निष्ठाक संग पारण कऽ व्रत सम्पन्न केलक। अगिला जन्म में दुनू भास्कर नामक एकटा ब्राह्मणक घर बेटी बनि जन्म लेलक। चिल्होर जेठ बहिन शीलावती भेल तो ओतहि सियारन छोट बहिन कर्पूरावती छल। आगू चलि शीलावतीक ब्याह एकटा साधारण ब्राह्मणक घर में भेल तो ओतहि छोट बहिन कर्पूरावतीक ब्याह राजा मलयकेतु सँ भेल। अब कर्पूरावती कंचनवटी नगरक रानी बनि गेल छलीह। समयक संग शीलावती के 7 पुत्र भेलनि, मुदा एम्हर कर्पूरावतीक सबटा संतान जन्म लैते मरि जाइत छलैक। पैघ भेला पर शीलावतीक पुत्र सब मलयकेतुक दरबार में काज करय लागल। शीलावती के 7 पुत्र देख कर्पूरावतीक मोन में ईर्ष्या आबि गेल आ ओ राजा सँ कहि सातो भाइक मूड़ी काटि 7 बासन में राखि लाल टुकड़ा सँ झाँपि शीलावतीक घर पठा देली। ई देख भगवान जिमूतवाहन 7 भाई के माटिक मूड़ी बना धौर सँ जोड़ि देलनि आ अमृत छीट 7 के जीवित कऽ देला। 7 भाई उठि कऽ घर दिस विदा भेला। एम्हर रानी द्वारा बासन में झाँपि कऽ पठाओल गेल सब मूड़ी फल बनि गेल छल। जिमूतवाहन भगवानक चमत्कार सँ अनभिज्ञ कर्पूरावती जखन शीलावतीक हाल बुझबाक लेल ओकर घर पहुँचली तऽ हुनक 7 बेटा के जीवित देख अचरज में पड़ि गेली, बेहोश भऽ गेली आ जखन होश में अयली तऽ अपन सबटा किरदानी बहिन शीलावती के सुना माफी मांगय लगली। ता धरि शीलावती के पूर्व जन्मक सबटा बात मोन पड़ि गेल छल आ ओ बुझि गेली जे ई सबटा जिमूतवाहन भगवानक चमत्कार छी।